जब हम लोग खाते हैं तभी गाड़ी मोटर जाता है, धूल उड़ के खाने पर जाता है तभी गंदगी फैलती है, इस ओर से जानवर जाते हैं तभी लैट्रिन कर देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं आके ही आसपास लैट्रिन कर देते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालयों में बाउंड्री वाल होना अनिवार्य है, परंतु बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिसवा में बाउंड्री वाल न होने से लगातार विद्यालय प्रांगण के अंदर से दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन का आवागमन बना रहता है। अब गांव के बच्चे और जानवर विद्यालय प्रांगण में गंदगी फैलाते हैं, और विद्यालय के दो बच्चे भगवानदीन और पिंकी गाड़ी की चपेट में आ जाने से करीब 10 दिनों तक विद्यालय नहीं आ सके थे, जिससे भगवानदीन सहित करीब 57 बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, गाड़ी आने से आप लोगों को मतलब किसी को चोट वोट लगी क्या? हाँ। किसको लगी? हमको और प्रिंकी। कैसे लगा था? गाड़ी में मैंने मुड़कर भाग की कोशिश की, तुरंत आ गया, साइकिल पलट पड़े, सीने पे चोट लगा था। ज्यादा लगा था या मतलब हल्का फुल्का? का रफ्तार ही फिरा रहा था, चोट लग गया था, हाथ हिलाते तभी फिराता था। इस विद्यालय में समस्या ये है कि केवल ये विद्यालय से बना हुआ है, इसमें बाउंड्री नहीं बना हुआ है, तो बच्चे बाहर खेलते हैं और बाहर ही धूप, इस समय ठंडी का मौसम है तो बाहर खाना भी खाते हैं, और वहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है तो धूल भी उड़ता है, और खेलते समय बच्चे का एक्सीडेंट होने का भी संभावना रहता है, और दो बच्चों का एक्सीडेंट हो भी चुका है। विद्यालय में शौचालय की सुविधा है? शौचालय की सुविधा है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बस बंद रहता है, तो जब जरूरत लगती है तो खोला जाता है। अब विद्यालय में ये खेलकूद का सामान? खेलकूद का सामान ग्लोबल, वो ग्लोब है और रस्सी कूदने वाला है, वो भी टूट गया था, बच्चे बता रहे थे, हम देखे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिसवा में बाउंड्री वाल बने ताकि बच्चों की समस्या का समाधान हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि बस्ती जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर पर 9565727275 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि विद्यालय में बाउंड्री वाल की व्यवस्था हो और बच्चों की समस्या का समाधान हो। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।